हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम साल 2021 में रिलीज फिल्म कर्व की कहानी बताने जा रहे हैं। कहानी शुरू होती है एक कंक्रीट फर्श से, जहां एक महिला बेहोशी की हालत में पड़ी है, जिसकी उंगलियां खून से सनी हुई है और उसके जूते भी खून से लाल है, जो खून सूख चुका है, लेकिन अभी भी वो काफी इंजर्ड स्थिति में है। बड़ी लहरों के किनारे से टकराने की वजह से काफी भयानक आवाजें आ रही हैं। उस महिला के कानों में शोर की आवाजें गूंज रही हैं और अंततः वह बेहोशी से जागती है। वो कुछ भी नहीं देख पाती है, लेकिन फिर भी वो मूव करने की कोशिश करती है और खुद को भयानक स्थिति में पाती है। वो महिला संभवतः एक ऊंचाई वाली घुमावदार आकार के किनारे पर है, जहां काफी अंधेरा है। अगर वह एक भी गलत कदम उठाती है तो वो किनारे से नीचे गिर जाएगी। उसका लेफ्ट पैर उसके शरीर के नीचे मुड़ा हुआ है। उसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो जब महिला पहली बार किनारे को देखती है तो उसकी वहां से बाहर जाने की उम्मीद भी खत्म हो जाती है। वो पीछे हटने की कोशिश करती है, साथ वो आगे पीछे होने का भी प्रयास करती है। यह पक्की बात है कि अगर वो उसके बाएं पैर को ऊपर की ओर खिसकाती है, जिससे वह नीचे फिसल सकती है। उसके साथ ही कठोर कंक्रीट की वजह से उसकी हथेलियां भी उखड़ जाती हैं और उसकी सांसें तेज हो रही हैं, और वह चुपचाप अपने जीवन के लिए प्रार्थना करती है। हालांकि जिस सिचुएशन में वो है उससे बच पाना मुश्किल है। जहां वह फंस गई है और यह एक जलविद्युत संयंत्र लग रहा है, उसके पीछे की अरलान जैसी दीवार उसे ऊपर की तरफ नहीं जाने दे रही है। लेकिन अभी उसकी परेशानी दीवार नहीं, बल्कि वो भयानक आवाजें हैं, जो नीचे लहरों के टकराने से आ रही है। कुछ ही सेकंड के बाद उस महिला ने निराशा में आसमान की ओर देखा और जोर से चिल्लाती है। कुछ मिनट बाद सब कुछ एक मौन पर चला जाता है। वह सुनती है उसकी सांसें तेज हो रही है और उसके दिमाग में दो विचार है, एक उसे जीने के लिए कह रहा है और दूसरा वो जानती है कि अगर वो ऐसे ही रही तो टुरोन मर जाएगी, इसलिए वो रिस्क लेने की हिम्मत करती है। कुछ लंबी सांसें लेने के बाद वो खुद को शांत करती है। वो कंक्रीट में अपने हाथों और दाहिने पैर को मजबूती से रखती है और लेफ्ट पैर को सीधा करने की कोशिश करती है, लेकिन वो आगे की ओर फिसल जाती है और अब तो बिल्कुल किनारे पर आ जाती है। वो खुद को कुछ सेकंड शांत रखने की कोशिश कर रही है। आखिरकार वो समझती है कि उसे अपने पैर को सीधा करने की कोशिश करना छोड़ना होगा, क्योंकि उसके लिए किनारे से दूर होने का एकमात्र तरीका सही दिशा में खुद को खींचना है। लेकिन उस जगह ने उसकी हथेलियों को 10 गुना कमजोर बना दिया है। हथेलियों से काफी स्क्रैप होने के बाद बहुत खून बह रहा है। वो अपने राइट हाथ को ऊपर करती है और खून में फंसी दो उंगलियों को अलग करती है, जिसके बाद वो खून को जैकेट से पोंछती है ताकि उसकी हथेली फिसले ना। जब वो फिर से ऊपर जाने का प्रयास करती है तो उसे काफी दर्द होता है, क्योंकि खून सूख चुका है, लेकिन वो इसे बहादुरी से सहन करती है और अब की बार वो राइट दिशा में खिसकने की कोशिश करती है। उसके बाद वह घावों पर फूंक मारती है, क्योंकि वो गलत कदम बढ़ाने से डरती है, इसलिए वो काफी समय तक अगले कदम पर विचार करती है, क्योंकि एक भी गलत कदम उसकी मौत के लिए नीचे धकेल देगा। फाइनली वो अपने खून से सनी हथेलियों को कंक्रीट फर्श पर रखती है, क्योंकि वो अपने शरीर को सही दिशा में उठाती है, जिससे उसे काफी दर्द होता है, लेकिन सौभाग्य से उसके लिए योजना इस बार काम करती है और वो कुछ ऊपर की तरफ जाती है। महिला फिर खुद को शांत करने के लिए लंबी सांस लेती है। उसकी हथेलियां अब दर्द के कारण लगभग सुन्न हो गई हैं। वो हथेलियों के खून को फिर से पोंछती है और उन पर फूंक मारती है। वो फिर से एक समान दिशा में आगे बढ़ने से पहले बहुत कुछ नहीं सोचती है और अंततः आगे बढ़ जाती है। वो खुद को थोड़ा और ऊपर पाती है। वो देखती है कि खून के निशान नीचे दिख रहे हैं, लेकिन उसकी बॉडी ऊपर आ गई है। वो अपनी हथेली को देखती है और नीचे खून के निशान को देखती है, फिर हाइपरवेंटिलेट करना शुरू कर देती है। वो अब किनारे से दूर है और उसके पीछे एक सीधी दीवार है। यह स्पष्ट है कि वो किसी भी स्थिति में नहीं चढ़ सकती है। वो थोड़ी पैनिक होने की वजह से अपने अगले कदम को ठीक से नहीं उठाती है और फिर से चढ़ने की कोशिश करती है। जल्दबाजी के कारण वो नीचे खिसक जाती है, जो उसे और डरा देता है। वह नीचे देखती है कि खून के निशान बढ़ रहे हैं। वो फिर से खुद को ऊपर चढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो एक जोर से शोर सुनती है तो रुक जाती है। वो नोटिस करती है कि खून के निशान में दो और निशान जुड़ गए हैं। अब उसके एकमात्र विकल्प है कि या तो इंस्टेंट मौत की प्रतीक्षा करें या एक कदम उठाएं, और मौत के डर से वो करना जारी रखती है जो वो अब तक कर रही थी। वो निश्चित रूप से गलत प्रेरणा से बच जाएगी। यह साबित करती है कि उसका मस्तिष्क इन परिस्थितियों में स्थिति की गंभीरता को पकड़ने में विफल रहा है, कि वो सही तरीके से सोचने की उम्मीद नहीं कर रही है। एकमात्र समस्या यह है कि जीवित रहने की इच्छा उसे अपने कयामत में गिरने के लिए पहले की तुलना में वो उम्मीद कर सकती है, जब उसकी जगह में कोई भी अब तक हार मान लेगा। वो बहादुरी से अपनी हथेली को ऊपर रखती है और फिर से ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश करती है। वो कुछ सेंटीमीटर नीचे स्लाइड करती है, या इसलिए महिला उस प्रगति को खोने की स्थिति में नहीं है जो उसने बहुत प्रेरणा के साथ हासिल की है। उसकी घबराहट उसके फेलियर के साथ बढ़ने लगती है। वो तीसरी बार खून के निशान को देखती है, केवल यह नोटिस करने के लिए कि वे किस तरफ जा रही हैं। साथ ही एक चीख गूंजती है। महिला शोर की तुलना करती है कि उसकी मौत उसे किनारे के नीचे अंधेरे में बुला रही है। अब उसकी हथेलियां बिल्कुल नष्ट हो गई हैं, और शायद ही उसकी हथेली पर कोई स्किन होगी जिससे वो स्क्रेप कर पाए।
आकाश उसकी पीड़ा पर दहाड़ता है और उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन महिला को इसकी जरा भी परवाह नहीं है। और फिर उसकी समस्याओं में जुड़ने के लिए भारी बारिश भी शुरू हो जाती है। यह नहीं पता है कि क्या बाधाएं उसके खिलाफ काम कर रही हैं या उसकी मदद कर रही है। बारिश उसे जल्द ही मारने से उसके दर्द को समाप्त कर सकती है, या यह पहले के लिए किसी भी तरह से जीवित रहने की उसकी आशा को नष्ट करके उसे और अधिक चोट पहुंचा सकती है। कुछ सेकंड वो उसके चेहरे पर पड़ने वाली बूंदों का आनंद लेती है, भले ही यह एक छोटे से पल के लिए हो। वो शांति में महसूस करती है, जैसे कि कर्व उसका घर है और वो समय की शुरुआत से वहां ही रह रही है। लेकिन उसकी संतुष्टि लंबे समय तक नहीं रहती है, जब पानी सतह को चिकना करता है और उसे नीचे स्लाइड करती है। महिला अपनी आंखें बंद कर देती है और अपने दांतों को अभी भी जीवित रहने की आग से भर देती है। वो एक जोर से चीख लगाती है, लेकिन बादलों की गड़गड़ाहट की तुलना में यह कुछ नहीं है। तो उसे याद आता है कि उसने एक चैन पहन रखी है जो उसे लंबे समय तक कर्व को पकड़ने में मदद कर सकती है। वह चेन को बलपूर्वक से अपनी कलाई के चारों ओर पकड़ लेती है और इसे अपनी गर्दन से खींचती है। हम उसके हाथ को धीरे धीरे नीचे स्लाइड करते हुए देखते हैं, यहाँ तक कि फिल्म के साथ भी यह स्पष्ट नहीं है कि क्या वो घटना से बच गई थी, लेकिन जिस स्थिति से वह थी उसे सबसे डरावनी फिल्मों की तरह कल्पना की जा सकती है। यह फिल्म आपको डराती है और आपको कैरेक्टर के साथ आपके अंदर के डर को महसूस करवाती है। फिल्म हर सेंस में महान है, क्योंकि यह मानव प्रवृत्ति को ट्रिगर करता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें और सेफ रहें।